निहाल और प्राची दोनों अपने अपने कमरे में आराम से सो रहे थे। कुछ देर बाद निहाल की नींद खुल गई और वो फ्रेश होकर नीचे आ गया। नीचे आने के बाद वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर कॉफी पी ही रहा था कि प्राची भी वहां आ गई। उसने प्राची के बैठने से पहले उससे कहा, हमें जल्दी ऑफिस जाना होगा। निहाल ने जैसे ही ये कहा, प्राची ने उसे घूर कर देखा जैसे वो कह रही हो कम से कम बैठने तो दो। प्राची बस बैठने वाली थी कि निहाल एकदम से खड़ा हुआ और उसकी तरफ देखकर बोला, चलो। प्राची ने टेबल पर लगे नाश्ते की तरफ देखकर कहा, लेकिन मुझे ब्रेकफास्ट करना है। निहाल बोला, देखो अगर तुम्हें मेरे साथ अभी आना नहीं है तो मैं तुम्हारी जगह किसी और मॉडल को रख लेता हूं। निहाल ने यह बात एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कही जो आते ही गायब हो गई, लेकिन प्राची उसे नोटिस नहीं कर पाई। निहाल वहां से जाने लगा तो प्राची का मन हुआ कि वो उसको पीछे से लात मार दे, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया क्योंकि वो जानती थी कि निहाल कुछ भी कर सकता है। इसलिए उसने उसके पीछे से चिल्लाते हुए कहा, रुको मैं आ रही हूँ, मैं पहले अपना फोन लेकर आती हूँ। निहाल को उसके साथ शैतानी करने में काफी मजा आ रहा था, लेकिन जब उसने प्राची के मुंह से फोन की बात सुनी तो उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। वो गुस्से से पीछे मुड़ा, तब तक प्राची वहां से जा चुकी थी। कुछ देर में जब प्राची फोन लेकर नीचे आई तो निहाल उसे घूरे जा रहा था। निहाल के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर प्राची का चेहरा बिगड़ गया। निहाल का चेहरा देखकर प्राची ने मन ही मन कहा, अब इसको क्या हो गया। निहाल ने एक नजर प्राची के हाथ में पकड़े हुए फोन को देखा और एक नजर प्राची को। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने एकदम से थोड़ा गुस्से से कहा, मेरे लिए पानी का एक ग्लास लेकर आओ। क्या पानी? प्राची के मुंह से एकाएक ही निकला। निहाल फिर से बोला, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या, मुझे प्यास लगी है, पानी लेकर आओ। निहाल ने गुस्से से ये कहा तो प्राची डर गई। वो जल्दी से डाइनिंग टेबल पर गई और एक ग्लास पानी लेकर निहाल के पास आ गई। उसका मन हो रहा था कि वो पूरा का पूरा ग्लास उसके ऊपर उड़ेल दे, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ऐसा कर सके। निहाल ने उसके हाथ से पानी का ग्लास ले लिया, लेकिन उसकी नजरें एक सेकंड के लिए भी उसके चेहरे से नहीं हटी। फिर वो दोनों वहां से ऑफिस के लिए निकल गए। कार में बैठने के बाद प्राची की नजर सिर्फ फोन पर थी। उसने कल से अपने फोन को स्विच ऑफ करके रखा हुआ था। उसने कुछ देर के लिए भी अपना फोन ऑन नहीं किया था। उसके हाथ अभी भी फोन को ऑन करने से डर रहे थे। उसके हाथ कांप रहे थे। निहाल की नजरें इस वक्त प्राची की हरकतों पर थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्राची करना क्या चाहती है। वो बार बार अपने फोन को घूर क्यों रही है, वो फोन ऑन क्यों नहीं कर रही है ताकि वो भी देख सके कि उसमें ऐसा क्या है। प्राची ने गहरी सांस ली और फोन को ऑन कर दिया। निहाल की नजर कठोर हो गई और प्राची के फोन पर जम गई। प्राची ने अभी तक निहाल के एक्सप्रेशन नोट नहीं किए थे। फोन ऑन होते ही उसकी स्क्रीन पर फिर से उसी नंबर से प्राची को मैसेज देखा और निहाल ने भी अपनी तिरछी नजरों से वो मैसेज देख लिया था, लेकिन वो उसे पढ़ नहीं पा रहा था। प्राची ने एक झलक उस मैसेज को देखा, फिर उसने बिना पढ़े ही फोन को फिर से स्विच ऑफ कर दिया और उसे जल्दी से बैग में डाल दिया। उसकी धड़कन बहुत तेज तेज दौड़ रही थी। वही निहाल की पकड़ स्टेयरिंग पर मजबूत होती जा रही थी। उसका मन हो रहा था कि वो स्टेयरिंग व्हील को निकालकर प्राची के सर पर मार दे। जैसे तैसे उसने अपने आप को कंट्रोल किया और कार को ऑफिस तक पहुंचाया। प्राची ने अभी तक कुछ भी नोटिस नहीं किया था। वो कार से उतर गई और ऑफिस के अंदर जाने लगी। निहाल पीछे से उसे घूर रहा था। उसने धीरे से कहा, आखिर उसने अपना फोन स्विच ऑफ क्यों किया? क्या ये मुझे नहीं बताना चाहती है कि इसका एक बॉयफ्रेंड भी है? प्राची, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुमने मुझे धोखा दिया। तभी उसे ख्याल आया कि कैसे त्रिशा ने भी कुछ समय पहले उसके साथ कुछ ऐसा ही किया था और अब प्राची भी उसके साथ वैसा ही कर रही थी। निहाल की मुट्ठी एकदम से कस गई और वो अंदर की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद प्राची का शूट शुरू हो गया। वो उसमें बिजी थी। निहाल एक चेयर पर बैठा हुआ उसे शूटिंग करते हुए देख रहा था। उसका दिमाग सुबह की बात भूल नहीं पा रहा था। प्राची की शूटिंग जैसी खत्म हुई, उसके पास एक आदमी तुरंत छाता लेकर आ गया। उधर निहाल का फोन बजा। वो वैशाली का फोन था। निहाल ने फोन उठाया और शांत लहजे में पूछा, मॉम क्या हुआ? वैशाली बोली, क्या तुमने प्राची से पार्टी के बारे में बात कर ली है? वैशाली ने कहा तो निहाल का चेहरा गंभीर हो गया।
उसने अभी तक प्राची से इस बारे में कुछ बात नहीं की थी और अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे प्राची उनकी शादी की पार्टी के लिए मना कर देगी। मॉम आप बस तैयारी कीजिए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ये कहते ही निहाल ने फोन काट दिया और उठकर प्राची की तरफ बढ़ गया जो अभी अपना मेकअप ठीक कर रही थी। निहाल उसके पास जाकर कुछ देर उसे घूरने लगा। प्राची का ध्यान अभी उस पर नहीं गया था। निहाल ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्राची उसको अजीब नजरों से देख रही थी। प्राची ने मन ही मन कहा, क्या इसके दिमाग में सचमुच कोई खराबी है? फिर उसने अपने हाथ को देखा जो इस वक्त निहाल ने पकड़ा हुआ था। उन दोनों को इस तरह से देखकर वहां खड़े सब लोगों की नजरें उन पर ठहर गईं। लेकिन उनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो उनके बारे में कुछ भी बात कर सके। निहाल ने सबकी नजरों को नोटिस कर लिया था। उसने घूर कर सबकी तरफ एक नजर देखा तो सब लोग अपना काम करने लगे। उसके बाद वो प्राची को सबसे दूर लेकर गया। वहां पर उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। उसने प्राची को एक पेड़ के सहारे खड़ा कर दिया और उसकी आंखों में देखते हुए बिना किसी बनावट के साथ बोला, अगले हफ्ते मेरी और तुम्हारी शादी की पार्टी है। क्या? प्राची की आंखों में हैरानी साफ साफ दिख रही थी। हाँ, निहाल ने गंभीरता से कहा। प्राची हैरानी से बोली, लेकिन कैसी पार्टी, मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता? निहाल ने कहा, ये सब मॉम ने डिसाइड किया है। वो चाहती है कि हम दोनों की शादी के बारे में सबको पता लग जाए। निहाल ने ये कहा तो प्राची परेशान हो गई। उसको इस तरह से परेशान देखकर निहाल के दिल में बेचैनी होने लगी। उसने कहा, क्या तुम नहीं चाहती कि हमारी शादी के बारे में सबको पता लगे? प्राची ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि इस वक्त शायद वो कुछ सोच रही थी। वहीं उसकी खामोशी निहाल को चुभ रही थी। उसके एक्सप्रेशन कठोर हो गए। उसका गला हल्का सा हिला और उसने कहा, प्राची क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? अगर है तो मुझे साफ साफ बता दो क्योंकि मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कहते हुए निहाल उसकी आंखों में सच्चाई ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसकी पकड़ प्राची की बाजू पर मजबूत हो गई। प्राची के मुंह से आह निकली और उसने कहा, निहाल पहले तो तुम मेरा हाथ छोड़ो, मुझे पेन हो रहा है। और दूसरा, अगर मेरा बॉयफ्रेंड है तो तुम्हें उससे क्या दिक्कत है? तुम कब से मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने लगे? ये कहते हुए जैसे ही प्राची ने निहाल की तरफ देखा वो थोड़ा डर गई क्योंकि निहाल की आंखें काफी ज्यादा सख्त हो गई थीं, जो उसे ऐसे देख रही थी जैसे उसे अभी की अभी जिंदा ही निकल जाएंगी। उसने सोचा कि उसने कुछ ज्यादा ही कह दिया था, उसे इतना कुछ नहीं कहना चाहिए था। आखिर निहाल ने उसे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत से बचाया था। प्राची ने निहाल की आंखों में देखा और जैसी वो कुछ बोलने वाली थी वैसे निहाल ने कहा, सोच समझ कर जवाब देना। उसकी इस धमकी से प्राची अपने होंठ चबाने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि निहाल को आखिर क्या हो गया है? वो उससे इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है? क्या होगा आगे? आखिर क्या जवाब देगी प्राची निहाल को और क्या राज छुपा रही है प्राची? क्या निहाल की गलतफहमी को प्राची कभी दूर कर पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए मैडनेस इन लव सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।